हाँ, इसका क्या मतलब है? दीदी, क्या आप मेरे साथ रॉक पेपर सीजर खेलेंगी? नहीं, अभी नहीं, बाद में। दीदी प्लीज। ठीक है, रॉक पेपर सीजर। रिंकी, तुमने अपनी बहन को मार दिया। रिंकी, तुम्हें नहीं पता गवर्नमेंट ने एक गेम बनाया था पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, और जो भी इस गेम में हारेगा वो मर जाएगा। आई एम रियली सॉरी मम्मी, लेकिन मुझे नहीं पता था। चलो अब मेरे साथ भी रॉक पेपर सीजर खेलो। मम्मी, आप पागल हो गई हैं क्या? जितना बोला उतना करो। ठीक है, रॉक पेपर सीजर। रिंकी, क्या तुम ठीक हो? नहीं, आज सुबह मैंने अपने मम्मी और बहन को मार दिया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने उन्हें नहीं मारा, वो गेम हार गए थे इसीलिए गेम्स के मेकर ने उन्हें मार डाला। वैसे क्या तुम उस लड़के को देख रही? वो रॉक पेपर सीजर में प्रोफेशनल है, वो 50 से भी ज्यादा बार जीत चुका है। सच में? हाँ, मेरे ख्याल से स्कूल में सबसे अच्छा यही खेलता है। मैं उसे चैलेंज करने जा रही हूँ। रिंकी, क्या तुम पागल हो? वो प्रोफेशनल है, और क्या पता मैं जीत गई, मैं भी इस गेम को काफी अच्छे से खेल लेती हूँ। रिंकी, तुम सच में पागल हो गई हो। हे, क्या तुम मेरे साथ रॉक पेपर सीजर खेलना चाहते हो? क्या तुम श्योर हो? ऑफ कोर्स मैं श्योर हूँ। रिंकी, मत करो ऐसा। अगर मैं श्योर नहीं होती तो मैं तुमसे पूछती ही क्यों? ठीक है, चैलेंज एक्सेप्ट। रॉक पेपर सीजर। अरे, ये रिंकी से कैसे हार गया? देखा, मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं जीत जाऊंगी। रिंकी, तुम्हारे विनिंग्स के नंबर इतने जल्दी क्यों बढ़ रहे हैं? हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं किसी के पास नहीं जा रही, लोग मेरे पास आ रहे हैं खेलने के लिए। तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना होगा, तुम इतने लोगों के साथ नहीं खेल सकती हो। खैर, कैंटीन चलते हैं, मुझे भूख लगी है। हाँ चलो चलते, मुझे भी भूख लगी है। अगले दिन। रिंकी, कोई है जो तुम्हारे साथ रॉक पेपर सीजर खेलना चाहता है? लेकिन सब लोग मेरे अगेंस्ट क्यों खेलना चाहते हैं? क्योंकि तुम इतने बार जीत चुकी हो। खैर, वो इंसान तुम्हारा वेट कर रहा है फील्ड में, जल्दी चलो। ये वो लड़का। रिया, ये लड़का कौन है? मैंने आज से पहले इसे कभी नहीं देखा। हाय, नाइस टू मीट यू। मुझे बस तुम्हें बताना था कि मैं भी तुम्हारे इतने बार जीत चुका हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं खेलने वाला। मुझे बस इंटरेस्ट था ये जानने के लिए कि कौन है वो लड़की जो इतना अच्छा रॉक पेपर सीजर खेलती है। तो आज तुमने कितने बार रॉक पेपर सीजर खेला? बस 3 से 4 बार। वैसे क्या तुम उन कैंटीन आंटी को देख रही हो? मैंने उनके अगेंस्ट कभी भी नहीं खेला, क्योंकि वो जो सैंडविचेस बनाती है मुझे वो बहुत पसंद है। क्या तुम थोड़ा सा ट्राई करना चाहोगी? हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं फिर। हाँ, कैंटीन आंटी, किसकी इतनी हिम्मत है इनको मारने की? मैंने। रिया, आज मैंने इनके साथ रॉक पेपर सीजर खेला क्योंकि और कोई भी नहीं था, बाकी जो बच्चे थे वो काफी अच्छा खेलते थे। अच्छा, तो ऐसी बात है तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। रुको, इसमें किसी की भी गलती नहीं है, सबको हर रोज एक ना एक बार रॉक पेपर सीजर खेलना ही होता है। अच्छा, तो तुम अपनी दोस्त की साइड ले रही हो, तो तुम्हें मेरे साथ रॉक पेपर सीजर खेलना होगा। ठीक है, रॉक पेपर सीजर। रॉक पेपर सीजर, फिर से ड्रॉ हो गया। रिंकी, मैं घर जा रही, काफी लेट हो गया है, बाय। ठीक है रिया, आपने ख्याल रखना, आ जाओ फिर से खेलते हैं रॉक पेपर। अब मुझे कितनी बार खेलना होगा? बार बार ड्रॉ हो जा रहा है, मैं थक गई हूँ। ठीक है, तो ये मान लो कि मैं जीत गया। ऐसा नहीं होने वाला। ओह हाय, तुम फिर से आ गए। अगर तुम मेरे साथ रॉक पेपर सीजर खेलने आओ तो मैं नहीं खेलूंगी। क्या तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या मतलब? हम कुछ देर पहले 2-3 घंटे से रॉक पेपर सीजर खेल रहे थे। ओह, शायद तुम मेरी ट्विन ब्रदर के साथ खेल रही होगी। ओह, तो तुम्हारा ट्विन ब्रदर भी है? मैं सोच रही कि क्या तुम भी अपने भाई की तरह अच्छा रॉक पेपर सीजर खेल सकते हो। मैं तो उससे भी अच्छा रॉक पेपर सीजर खेल सकता हूँ। खेलना है तुम्हें? हाँ क्यों नहीं, रॉक पेपर सीजर। रिंकी, क्या तुमने मेरे भाई को मार डाला? आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था ये इतना खराब खेलता है। खैर छोड़ो, वैसे मैं इसे पसंद नहीं करता था। खैर छोड़ो, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। मुझे वो मिल गया जो इस गेम का मेकर है, हमें उसे छुटकारा पाके इस गेम को खत्म करना होगा। लेकिन हम ये कैसे करेंगे? मेरे साथ चलो। क्या यही वो है? हाँ। हे तुम, जल्दी से इस गेम को खत्म करो। ओके। सच में? नहीं। देखो, क्या कोई तरीका नहीं जिससे तुम ये गेम रोक सकते हो, क्योंकि काफी लोग मारे जा रहे हैं? वेल, एक रास्ता है। क्या? ओके, अगर तुम दोनों लोगों को इस गेम को सच में एंड करना है तो तुम दोनों लोगों को इस रूम में जितने भी लोग हैं उनके साथ रॉक पेपर सीजर खेलना होगा और जीतना होगा। क्या? लेकिन यहाँ पे तो 200 से भी ज्यादा लोग हैं। अरे ले ले, दीदी को गेम भी एंड करना है और गेम भी नहीं खेलना है। ठीक है, हम करेंगे। तुम पागल हो गए हो? देखो, अगर तुम्हें सच में गेम एंड करना है तो तुम्हें गेम खेलना होगा। तुम समझ नहीं रही हो, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ओके, तो गेम स्टार्ट करते हैं। रॉक पेपर सीजर। ओह माय गॉड, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, हमने कर दिखाया। रुको जरा, सबर करो। तुम दोनों लोगों को क्या लगा था ये गेम इतना इजी होगा? प्लीज, मेरे रहते तो बिल्कुल भी नहीं। बस बहुत हो गया, मैं तंग आ गया हूँ तुमसे। और हमें क्या करना होगा इस गेम को खत्म करने के लिए? अगर तुम चाहते हो कि ये गेम एंड हो तो तुम्हें ये गेम मेरे साथ खेलना होगा, और अगर मैं हार गया तो ये गेम एंड हो जाएगा। ठीक है, तो रिंकी सबसे पहले मैं जाऊंगा। तुम पागल हो, तुम इसे नहीं जीत सकते, ये एक प्रोफेशनल है, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। और मैं तुम्हें बता दूं, इस गेम में मुझे हराना नामुमकिन है। संभल के कहीं गेम खेलते वाले तुम बिल्डिंग से नीचे ना गिर जाओ। स्टोन पेपर। रिंकी, तुमने क्या किया? मुझे नहीं पता, मैं बस डर गई थी। तुमने उसे बिल्डिंग से धक्का दे दिया, अब तो वो मर गया होगा। इसने बोला था जब ये मर जाएगा तो गेम अपने आप बंद हो जाएगा। अरे हाँ, तुमने सही बोला, ऊपर तक लगता है गेम खत्म हो गया। अगर वो गेम हारता तो वो मरता ही, अच्छा हुआ वो पहले ही मर गया। हाँ। एक साल बाद। हे, क्या तुम मेरे साथ रॉक पेपर सीजर खेलोगी?